तो दोस्तों रिवील करने का समय आ चुका है। हम आ चुके हैं रिसॉर्ट में। मॉर्निंग दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम फिर से एक ब्लॉग में मिल रहे हैं। हम जा रहे हैं बाहर एक जगह पे इस बार भी, और वो बताएंगे नहीं, जाने के बाद ही पता चलेगा तुम लोग को। पर सभी का स्वागत है। और ये कुत्ता देखो, कुत्ता नंगा ये देखो आयो मैं आया था, कितना आया, इतना ही। कब से निकलना है पता है क्या? 12 बजे से, और अभी 2 बजने को आ गए। मेरी गलती है, मेरी गलती है। घंटा मैं उधर रख गए, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और मैं 5 बजे से देख रहा हूँ तुम लोग को खेल रहे हो। ठीक है, अभी आधे घंटे में निकलना है, तुरंत जल्दी रेडी हो जा। रेडी मेरे को क्या शर्ट पहनने का? मैं चड्डी शर्ट क्या, अंडरवेयर और पैंट भी पहन, ऐसा ही मत। मिलते हैं दोस्तों अभी आधे घंटे में, इधर रेडी फ्रेश होके निकलते हैं और डायरेक्ट मिलते हैं उस जगह पे। ओके, तो दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, और इतने टाइम से धूप खिली थी, सोचा था अभी चलो धूप निकली है, निकलते हैं थोड़ी देर में। अचानक से जोर से बारिश चालू हो गई है, अभी निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि छाता विता है नहीं किसी के पास, मतलब मेरे पास है एक ही है। 3 लोग जा रहे हैं हम लोग, और ये चार्ली बाइक पे आने वाला था, और अभी कैसे जाएंगे? फिर बारिश रुकने का फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर निकलते, तब तक बारिश का आनंद लेंगे ना भाई। चलो दोस्तों हम निकल पड़े तीनों हमारी BMW लेके। बारिश बहुत ही थोड़े भीगे हम लोग अभी, और ये बॉल कितना बॉल लिया है, और क्या लेना था, कैश वो तेरे बैग में। हाँ, तो हमने सब चीज़ें लिए उधर जाने के बाद बस आते। तो दोस्तों हम हमारी मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं। वैसे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फक्त गेट उधर है, तो हम पीछे वाले गेट, पीछे वाले गेट पे उतरे, इसलिए मेरे साथ रहा करो, तुम लोग को मंजिल लाइफ के मिलेंगे, समझे क्या? तू भी सिर्फ जिम में जाके बॉडी बनाने की कोशिश करते है, बनती तो है वो तो अभी तुमको दिखेगा ही ब्लॉग में, जिसकी बॉडी है जिसको कोई खींच जाए। अरे बाबा, भाई बाद में डेढ़ बॉडी होने वाला है। इसको इसको क्या, अभी इसको बुला के जिए तो क्या जिए, हम सुबह भी पिए, शाम में भी पिए, और रात में भी पिए। पीले पीले उमर राजा, पत्थर पे पत्थर क्या होता है, पत्थर पे पत्थर मारो तो चिंगारी निकल, वाह 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 वाह, पत्थर पे पत्थर मारो तो चिंगारी निकल, क्या बात है मियां, अयान भाई को मारे तो पूरी गैंग निकल, बाप रे, जय छपरी मेंटल बोलते। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी अंदर जाने के बाद, दिखाते क्या है। नोबिता जा, बैग की चेन खुली है दोस्तों, देख रहे हो क्या? तो भाई दोनों लोग कैसे बैठे, देखो इन दोनों को एक बेड दिया मुझे सेपरेट। ए निकल तो है, हाँ एक्स्ट्रा बेड है तो तुमसे दो घंटे की एक जन वापर। अरे मैं हॉल में सोएगा, क्या विषय? अरे घंटा ती पण रूम आपली ते। अरे नाही इकडे पण बेडरूम आहे। हाय ना मग किचनच्या बाजूला, बहुत बड़ा है भाई, इतना कुछ विषय नहीं है, हर एक आदमी अलग अलग कमरे में सो सकता है, इतने रूम है, ये टॉप टॉप है, कबूतर मार बाटक नहीं है इसमें, नहीं है क्या? डायरेक्ट स्विमिंग पूल में जाओ ना, मागे स्विमिंग पूल है, इकडे कुठे है रे, तिकडे तिकडे त्या साइडला, वो साइड में है दोस्तों। हम जाएंगे वहां पर, अभी फ्रेश होते हैं, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, और फिर बारिश में भीगेंगे। मैं इस साल के बारिश में भीगा नहीं हुआ अभी तक। हाँ तो हम भीगेंगे किधर? हाँ इमेजिका में। ठीक है भाई, अकेला जाता है, नए दोस्त बनाए जिम के, उनके साथ जाता है, पूछता भी नहीं हमको, बोलता भी नहीं है भाई। ठीक है ना, नहीं ना ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है भाई, बताने की जरूरत ही नहीं, कतला कमी ना है दोस्तों, देखो ये भी मेरी गलती है, ऐसे दोस्त होने से अच्छा है कि हाँ मर जाओ कोई बात। दोस्तों हमारा नाश्ता आ चुका है, क्या है ये? भजी, बटाटा कांदा भजी, चटनी सॉस और चाय, मस्त एकदम। अभी खाके मुझे लगता है ये लोग सो जाएंगे, और हम अभी नाश्ता कर लेते हैं, भूख लगी थी वैसे भी, और इसके बाद क्या प्लान है? शाम को तैरने जाएंगे बारिश में।
बारिश भी चाहिए उस टाइम पे, मजा आएगा। ये देखो एक और बंदा आ चुका है ब्रूनो को लेके। भाई अरे मालिक कौन है इसमें से, ये या तू? ये देखो कतला एक्साइट हो चुका है, एक्साइटमेंट देखो इसकी भाई। तो दोस्तों रिवील करने का समय आ चुका है, हम आ चुके हैं रिसोर्ट में, जो है हिल रॉक रिसोर्ट नेरल में। और अभी हम घूमने जा रहे हैं, जरा देखते हैं क्या क्या है स्पोर्ट्स में, मतलब क्या क्या गेम्स है वो खेलने जाते हैं। मुझे तो टेबल टेनिस खेलना है, अभी देखते हैं। आए हैं गेमिंग एरिया में, यहाँ पर है चेस, कैरम, वो क्या है अहिला, ये क्या बोलते हैं उसको, लूडो वगैरह, और ये हमारा फेवरेट टेबल टेनिस, कैमरा वगैरह सब है। और पतू द बॉय वर्सेस नोबिता गेमिंग लाइव यहाँ पर, नहीं नीचे से खेलना होता है झुक के, अरे नीचे झुक के खेलो, टेबल के ऊपर बॉल आने नहीं देना, नीचे से मारना होता है इधर। काहीतरी फालतू कॉमेडी कर रहा है, ये झाली तेवढी पास होती सर, ठीक आहे मी खेळतो का मी, भाई मी जीएम है, जीएम ग्रैंड मास्टर है चेस का। हां ये क्या है दोस्तों, इसको हराते चलो। एक नवा गड़ी, एक जुना गड़ी, इसको मालूम नहीं हाथी कैसे चलता है, और ये बैठा है बुद्धि बल खेलने के लिए। ब्रूनो इसको सिखा मा तेरे नौकर को कुछ, वो तेरे मालिक को बोल, वो देख किधर घूम रहा है तेरा मालिक नीचे, और वो उधर अकेला ही खेल रहा है, वो देखो येड़े येड़े दिमाग का चल ले गब्बर उदा नाम चैंपियन। दोस्तों ये देखो स्विमिंग पूल, थोड़ी देर बाद हम अंदर मिलेंगे, और ये बहुत ही डीप लग रहा है मुझे, शायद नोबिता के कंधे के ऊपर मैं खड़ा रहा तो भी मेरे नाक पे पानी आ सकता है। नोबिता तेरे को क्या लग रहा है, मेरे घुटने जाएंगे पक्के उसमें, अरे 3.5 फीट है। अच्छा मतलब मेरी सिर्फ काफ से फुट डूबेंगे, अरे अपने अपना फुटबॉल खेलने जाने वाले, बड़ा वाला उधर है फुटबॉल, क्रिकेट भी खेलने का, क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेलते पहले। दोस्तों अभी बजे है रात के 10, और हम यहाँ पर मस्त है कि एंजॉयमेंट करके अभी उठे हैं, और अभी समय हो चुका है खाने का, और खाना मतलब स्टार्टर आ चुका है, बारिश चल रही है इसलिए उसको रेनकोट पहना के लाया, दिखाता हूँ। और ये रेनकोट पहना के लाया है रे, हर एक चीज़ ऐसी ही आ रही है, खुला खोलो खोलो खोलो, बताओ क्या क्या है, पनीर है, पनीर चिल्ली, ओके वो भी पनीर का ही लग रहा है कुछ तो। और यहाँ पर है वो है नॉन वेज, मुँह लगा डायरेक्ट, इसमें क्या है, इसमें भी चिकन का कुछ है, ठीक है मेरे को इसी बात पे मैं दिखाता हूँ। ये देखो एकदम स्वादिष्ट लग रहा है, खाया ना तूने, खाया, अच्छा वो खाया, ठीक है तो खाने के बाद बताते हैं हम कैसी टेस्ट है। तो कैसी है टेस्ट खाने की, एकदम किंग रहा, किंग क्या, किंग किंग एकदम, टेस्ट बता, टेस्ट बता, टेस्ट चल तो एकदम मेन है, अभी तक मैंने खाया नहीं, हाँ तो देख के मत बता, खा पीस। कड़क क्या, अच्छा पूरा मेरा है, हाँ तो फिर रोज आया करेगा इधर ही, ओके बेस्ट। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग हो रही है, तब तो खोल दिया मैंने, खोल खोलते वक्त हाँ राइस खोल दो। दोस्तों अनबॉक्सिंग चल रही है नान की, नान की अनबॉक्सिंग, बटर नान बेबी, और ये क्या गुलाब जामुन भाई, मैं वही बोलने वाला था, गोड़ खाने में क्या है, नंतर खोलते हैं, ठीक है ठीक है। ये क्या है, ये लस्सी और ये बटर लस्सी, ओ माय गॉड, ये मिल्क शेक और ये नॉनवेज वेज हलवा गाजर का, ये क्या है, अरे ये दाल तड़का है, ये चिकन कढ़ाई है, ये वेज कोलम, नहीं करत रे बाबा, वेज आणि नॉन वेज करतो, नॉन वेज वेज नहीं करत, मेन मेन मेन, ये डिझाईन दिखो, ये सलाड दिखो, या बात है भाई, बंद करो। आज मजा आ रहा है क्योंकि वातावरण मतलब वेदर कंडीशन इतना जबरदस्त है, और सामने देखो पहाड़ पे क्या मस्त एकदम वातावरण दिख रहा है, और ये स्विमिंग पूल भी दिखा भाई, इसमें अभी जंप करना है, जंप डायरेक्ट ऐसे छाता लेके जंप करूं क्या, क्या शिकी टू का सीन चल रहा है, ये वो क्या रे वो WWF में वो डायरेक्ट एज की तरह मैं इन दोनों को ये करूं, चॉक स्लैम ना है क्या बोलते थे, स्पिनर स्पियर 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 ए
स्पीयर दे स्पीयर दे ए दीना बर एक काम कर तू दे चल तू दे याला तो पाण्यात नाही ना रे बोलतो का एलर्जी आहे त्याला बर पटू तू तू डा सूर मार चल सूर मार अरे खाली ना डायरेक्ट मारायचं तुला नॉर्मल अशी टाकुडी जसूर टाइप सूर नको मारू जबरदस्त जबरदस्त बारिश में अरे जबरदस्त रे ऐसी बारिश चाहिए और पूल में उतरने का है मैंने कपड़े चेंज किए दोस्तों इसलिए नहीं तो मैं भी उतरता ये देखो वहां से पानी आ रहा है झरना जबरदस्त अरे देख डर रहा है आ जाओ अभी बाहर नहीं तो बीमार पड़ोगे चार दिन दवा खाने में किधर जा रहे हैं वो बच्चों का खेलने का जगह है हम किधर बड़े हुए हैं हमें बच्चा अभी भी जिंदा है भाई बट अभी बारिश में तो उधर जाएगा खेलने पर ये कड़क है रे बच्चों का खेलने का मतलब बच्चा है तो भी टेंशन नहीं पूल में नहीं कम से कम यहाँ पे तो पूल में तो बारिश में जा ही सकते हैं बच्चे रहेंगे वो कैसे जाएंगे 3.5 फुट का पूल है खाली दोस्तों कल तूने गलती से हराया मुझे अभी जाने के साथ प्रोग्राम का है आज छेड़ा ये भी पता मेरे को खेलने में हाँ मतलब ये भी सीख रहा है बस तू भी सीख ही रहा था पर तो मेरी गलती की वजह से जीत गया ठीक एंड मेड कुछ भी नहीं अभी तक बोर्ड से उतरा था क्या ये पहली निकली और उसमें चेक मिले यस लव हबर लव हेबी ये बगु बोलु बड़ पुटी आणि कुट्टी बरला कपा चलम कोपो संपल ये ऐसा खेला तो डायरेक्ट इसका जो घोड़ा है माझ्या बरोबर खेळ नल्ले तो दोस्तों अभी दो जायंट्स के बीच में मुकाबला हो रहा है यहां पर चेस का एक है मैग्नस कार्लसन और दूसरा है प्रज्ञानंदा इंडियन प्लेयर हमारा इतना तो यार मैग्नस को हराना है तुमको चल रहा है चेस भाई मैग्नस जी विनिंग पोजीशन पे हो क्या आप भाई मैग्नस में रोनाल्डो आ गया मेसी जी कैसा लग रहा है आपको फुटबॉल खेल के चेस पे एकदम बढ़िया बढ़िया क्या गोल करो ना पीर ऐसा इससे क्रिस्टियानो कार्लसन हर रहा है लगता है क्योंकि उसके देखो दो घोड़े एक ऊंट और ये पॉन गया है इसका सिर्फ एक घोड़ा और दो पॉन गए और ये प्रज्ञानंदा मेसी जीतने वाला है कार्लसन है ना भाग गया ये पूरा ये तहस नहस करके और ये प्रज्ञानंदा मेसी जीत चुका है दो बार आ रहा है अरे बाबा तुला चान्स होता त्याला मेट करायचा हा ना तरी नाही दोस्तों बहुत गेम्स खेल लिया हमने इंडोर गेम्स तो खेले यहाँ पर आउटडोर गेम्स में खेलने जाना था जैसे कि उधर टर्फ है वहाँ पर मैं क्रिकेट खेलने वाला था पर अभी बारिश इतनी तेज है ना क्या ही बताओ तुमको आवाज़ भी मेरा ठीक से नहीं आ रहा होगा पर क्रिकेट खेलने का रह गया हमारा चार्ली बोल रहा था फुटबॉल खेलेंगे फुटबॉल भी खेल सकते थे उधर पर इतने बारिश में नहीं ना अभी जा सकते कैंसिल कर दिया हमने प्लान और ये देखो बिजली कड़क रही है भाई ये बारिश तो कसली ज़बरदस्त आ रही है वहाँ पर जो पहाड़ है वो दिख नहीं रहा अभी वो देखो पहाड़ तो गायब ही हो गया रे बादलों के बीच में ये जो छोटा दिख रहा है ना इससे भी बड़ा है ऊपर यहाँ से व्यू ज़बरदस्त आता है और ये जो सामने दिख रहा है ना ये ग्लास विला है ग्लास विला और यहाँ पर देखो कॉटेज ऐसे बहुत सारे विलाज है यहाँ पर वो मैं बाद में दिखाता हूँ तुम लोग को और ये सामने जो है ना स्विमिंग पूल इधर में मुझे भी उतरना रहेगा यार पर देखते हैं और यहाँ पर ये कॉरपोरेट मीटिंग्स का कुछ तो है ये बिल्डिंग में इधर भी जाएंगे देखते हैं बाद में फिलहाल के लिए अभी बारिश रुकने तक वेट करते हैं क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा है और ये लोग अभी टेबल टेनिस पे चले गए भाई खेल के थक चुके चेस खेला कैरम खेला ये सब्सिडी के लिए टेबल टेनिस खेला बहुत मज़ा आया पर अभी जाने का समय आ चुका है हमारा अभी बूट कैंप पे वापस जाने का समय आ चुका है तो ये रिसोर्ट में आके बहुत मज़ा आया ज़्यादा दूर भी नहीं है नियरेस्ट स्टेशन से 3 किलोमीटर पे यहाँ पर हाईवे टच जल्दी आ सकते हैं और करदत से भी कुछ 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे और यहाँ से माथेरान भी नज़दीक है बहुत बढ़िया लोकेशन पे ये जगह और बहुत ही मस्त है यहाँ पर फैसिलिटी वगैरह सब चीज़ें मेन बात तो ये है कि गेम्स
खेलने को बहुत बढ़िया। और मॉनसून में तो यहाँ पर ऑफर्स भी चलती है और बाकी कॉरपोरेट मीटिंग्स के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी सब फैसिलिटी दी है यहाँ पर, तो ये बढ़िया है। मेरी शादी इधर ही करने का सोच रहा हूँ मैं। बेस्ट है। हाँ तो तुम लोग आ जाना शादी पे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ब्राउन विला, ग्लास होम, कॉटेज 3, कॉटेज 2, स्विमिंग पूल, रिसेप्शन, रेड रूफ विला, चिल्ड्रन प्ले एरिया, लॉन, प्रेसिडेंशियल सूट, कॉटेज, मैरिज हॉल, विलेज सब है। और यहाँ पर हिल व्यू कैफे है। और हम जा रहे हैं वापस घर पे। ख़त्म हो गया हमारा अभी टाइम, घर जाने का वक्त आ चुका है। और ये देखो तो दोस्तों, फाइनली हम हमारे बूट कैंप पे वापस आ चुके हैं। मैं मेरे गेमिंग रूम में बैठा हूँ, अभी स्ट्रीम करेंगे थोड़ी देर बाद। और हिल रॉक रिसोर्ट गए थे नेरल में, उसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है, चेकआउट ज़रूर करना। और आपको जाना होगा तो मेरा नाम बताना, डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी स्ट्रीम वापस से चालू हो जाएगी। आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, कभी बाहर गए तो। चलो बाय बाय।